सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंक यूट्यूब चैनल वीडियो फ्रेंड्स में। आपको हर टाइप की वीडियोस मिलेंगी आपकी स्टडीज रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से अनबॉक्सिंग, किसी भी टेक्निक से। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार नए आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि फ्रेंड्स मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी गवर्नमेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ, न्यूज़ जो आपके जॉब में काम आएगा। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिन्होंने 10th पास किए या 12th पास किए, तो फ्रेंड्स उनके लिए गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, ये है RPF। मैं RPF की आज न्यूज़ बताने वाला पूरा फुल डिटेल के साथ, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा इस चैनल पर। फ्रेंड्स, पूरी स्टेप फॉलो कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स, वरना आपके रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। फ्रेंड्स, तो आप पूरी वीडियो फ्रेंड्स अच्छे से देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, rpfrequirement.2018 या rpfonlineform2018.com। तो फ्रेंड्स आप उस पर जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा क्रोम या गूगल में किसी में। तो फ्रेंड्स, तो इसमें आपका क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे आपको होम के बगल में नोटिफिकेशन है, तो फ्रेंड्स आप उसको क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको, मैं इंग्लिश में डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या कुछ मेन पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो बताऊँगा। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन फ्रेंड्स 27 पेज का है, तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इसके मेन पॉइंट्स बताऊँगा फ्रेंड्स, जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल पे फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो तो फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आपको इसमें किसी भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जा सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया फ्रेंड्स, वहाँ जाए आप मुझे फॉलो करें और अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, जैसे कि नोटिफिकेशन फ्रेंड्स बैनर खुल चुका है, तो फ्रेंड्स ये 27 पेज का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो ऊपर 27 लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ मेन पॉइंट्स फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले टॉप में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो फ्रेंड्स ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस कांस्टेबल की जॉब है RPF। तो फ्रेंड्स इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी फ्रेंड्स तो आपको 21,700 मिलेगी। फ्रेंड्स इसमें आपको अलाउंस भी मिलेगा फ्रेंड्स, सैलरी के साथ फ्रेंड्स आपको अलाउंस मिलेगा, आपको रहने के लिए रूम मिलेगा, आपकी फैमिली को, आपको फैमिली के स्टडी के लिए मनी रिक्वायर किया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, आपकी ये LIC वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, फ्रेंड्स आप पूरा पढ़िए, मैं तो थोड़ा थोड़ा बताता हूँ फ्रेंड्स इसमें क्या क्या है, जो मेन पॉइंट्स है फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें वैकेंसी लिख रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कितने ग्रुप में है RPF, फ्रेंड्स हमारे 6 ग्रुप में, ABCDEF। तो फ्रेंड्स ये ऐसी ग्रुप है फ्रेंड्स, पहले ए ग्रुप में फ्रेंड्स कुछ 804 वैकेंसी लिख ली है, और सही बी ग्रुप में 440 वैकेंसी लिख ली है, सी ग्रुप में 1287 वैकेंसी लिख ली है, डी ग्रुप में 1046 वैकेंसी लिख ली है, ई में 160 वैकेंसी लिख ली है, और एफ में 666 वैकेंसी लिख ली है। टोटल 4430 वैकेंसी है फ्रेंड्स, और इसी में फीमेल के लिए फ्रेंड्स साइड में देखिए आप देख सकते हैं, फीमेल के लिए पहले ए में लिख ली है 927 वैकेंसी, बी में लिख ली है 712 वैकेंसी, और सी में लिख ली है 1391 वैकेंसी, टी में लिख ली है 1006 वैकेंसी, और ई में लिख ली है 180 वैकेंसी, और उनके RPSF में कोई वैकेंसी नहीं है, तो इनका है 4216 वैकेंसी लिख ली है फ्रेंड्स। टोटल मिला के 900 कुछ वैकेंसी लिख ली है मेल और फीमेल। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पूरा कैटेगरी दिख रही है किस क्या क्या किस किस की, जैसे जनरल SC ST OBC के लिए कौन कौन सी कैसे कैसे कट ऑफ या कितने इनके लिए सीट है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर आप नीचे जाएंगे तो फ्रेंड्स इसमें आपके एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन दे रखा है, आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट लगेगी इसमें आपकी, और आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25, नाइस 18 से कम, नाइट 25 से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फिजिकल मेजरमेंट में। तो फिजिकल मेजरमेंट में फ्रेंड्स जनरल और OBC के लिए मेल हाइट 165 सेंटीमीटर, और फीमेल हाइट जनरल OBC के लिए 157 सेंटीमीटर, और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर।
फ्रेंड्स, और आपकी चेस्ट अनएक्सपेंडेड, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप चेस्ट को ये 80 सेंटीमीटर मांग रहे हैं और एक्सपेंड करके है 85 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये यही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नोट, आप पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आपकी ये सब कुछ दे रखी है, यहाँ पे आपकी फ़ीस के बारे में भी दे रखा है। फ़ीस के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे जनरल ओबीसी के लिए फ्रेंड्स 500 फ़ी है और एससी एसटी के लिए 250 रुपये फ़ी है, जो वापस हो जाएगी एग्ज़ाम के बाद। लेकिन जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ कट हो गए, 400 रुपीज़ वापस मिलेंगे, और एससी एसटी को फुल 250 रुपये वापस मिल जाएंगे। फ्रेंड्स मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, आप डेबिट कार्ड या ई चलान किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर आप सबसे नीचे जाइए, फिर फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन दे रखा है इन्होंने, बहुत सी चीज़ें दे रखी है फ्रेंड्स, आप पूरा ये पढ़ के कीजिएगा, वरना फ्रेंड्स आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे मेन पॉइंट की मैं आपको बात बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, पहले कि मैं आपको बताया तो फ्रेंड्स इसमें आपको 15 लैंग्वेज मिलेंगी, आप कौन से, पहले इसमें CBT टेस्ट होगा, CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आप कोई अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स और इसमें आपका देखिए यहाँ पे देखिए टोटल 90 मिनट का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा और 120 क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स इसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, आपका एक जनरल होगा, एक अर्थमेटिक होगा, जनरल रीजनिंग ये होगा, ये 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक और ये रीजनिंग, ये तीन इनकी बुक्स आप ले सकते हैं, आप इनकी बुक्स ले लीजिएगा फ्रेंड्स और आप अपनी स्टडी कीजिएगा। और फिज़िकल के बारे में बताया था फ्रेंड्स, इसमें फ़िज़िकल आपका इसमें मेल कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ भागनी है, फीमेल के लिए है 800 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और लॉन्ग जंप है मेल के लिए 14 फिट और हाई जंप है 4 फिट, और फीमेल के लिए है रनिंग 3 मिनट 4 सेकंड में 800 मीटर और लॉन्ग जंप 9 फिट और हाई जंप 3 फिट। तो आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में 2 चांसेस दिए जाएंगे और रनिंग में आपको बस 1 चांसेस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स और मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इसमें आपके सर्टिफिकेट भी जमा होंगे, 10th के ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप डालिएगा फ्रेंड्स। पहले आपका फ्रेंड्स CBT टेस्ट होगा, फिर आपका फिज़िकल होगा, फिर आपका एक वो मेडिकल टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स आप ये सब पढ़े अच्छे से, और फ्रेंड्स जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन, जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, तो हमेशा फ्रेंड्स आपकी फ़ोटो एकदम सिंपल फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये ज़रूर, वरना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आपकी फ़ोटो 35 to 45 mm के बीच में होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप फ़ोटो के आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपका प्रॉपर हेड दिख रहा हो, आपके बाल पीछे हो, आप कोई भी स्पेक्स चश्मे ना लगाए और सही से प्रॉपर की तरफ फ़ोटो खिंचाए। और फ्रेंड्स अपनी फ़ोटो के नीचे आपका नाम लिखा रहना चाहिए और आज जिस दिन आपने क्लिक कराई ये फ़ोटो उस दिन की डेट भी लिखी रहनी चाहिए फ्रेंड्स। फ़ोटो में फ्रेंड्स कुछ भी मत कीजिए फ्रेंड्स, सिंपल फ़ोटो करवाइएगा फ्रेंड्स, और फ्रेंड फ़ोटो में कोई भी गलती मत कीजिएगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कि फ्रेंड्स आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ एक मिनट। तो फ्रेंड्स आपको फोटो मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फ़ोटो फ्रेंड्स, आपकी फ़ोटो फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स, फ़ोटो फ्रेंड्स आपकी ऐसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, नीचे आपका नाम लिखा रहना चाहिए और डेट, और 35 to 45 mm फ़ोटो साइज़ होनी चाहिए फ्रेंड्स, आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप इस फॉर्म को फिल करें और फ्रेंड्स और आप अप्लाई कर सकते हैं RPSF के लिए, यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें और आप अप्लाई करें और सही से फॉर्म फिल करें, और इससे भी आगे मैं न्यूज़ बनाता रहूँगा फ्रेंड्स, RPF की कौन सी बुक चाहिए, कैसे आपको करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये सब भी न्यूज़ बताऊँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल थिंग वीडियोस पे फ्रेंड्स, अगर ये फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।